सो हेलो एंड वेलकम गाइस गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक बड़ा मुकाबला होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में। कब होगा दोस्तों वो भी देख लेते हैं। तो ये 33वां मैच रहने वाला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 2 नवंबर को आपको दोस्तों ये मैच देखने को मिल जाएगा। दोपहर 2 बजे आपको ये मैच लाइव देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वेन्यू की बात करते तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आपको ये मैच देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों थोड़ा सा वेन्यू के ऊपर बात करते हैं तो दोस्तों वैसे ये जो ग्राउंड है वानखेड़े का, इसका हिस्ट्री बोलता है कि इस ग्राउंड पे ज़्यादा बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलता है, हाई स्कोर देखने को नहीं मिलता है। बट दोस्तों अभी रिसेंटली मैं जो लास्ट में जो अभी 2 मैचेस हुए हैं, दोनों ही मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड और एक मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, जी हाँ दोस्तों दोनों ही मैच हुए हैं जिसमें साउथ अफ्रीका ने दोनों ही मैचों में फर्स्ट बैटिंग करी है। फर्स्ट बैटिंग करके एक में 399 और एक में ऑलमोस्ट 380 समथिंग बनाए हैं, 82-86 समथिंग। सो दोनों ही मैचों में साउथ अफ्रीका ने बड़ा स्कोर करके दिया है इस ग्राउंड पर फर्स्ट बैट करके। जबकि इतिहास कहता है इस ग्राउंड का कि बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, पर देखने को मिला दोनों ही मैचों में। वहीं अगर दूसरी साइड देखी जाए तो इंग्लैंड और बांग्लादेश साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, तो आप देखेंगे इंग्लैंड लगभग 170 रन के आसपास पे ऑल आउट हो गई थी, 10 विकेट गिर चुकी थी इंग्लैंड की, यानी कि सेकंड बैट कर रही थी जब इंग्लैंड तो चेज नहीं कर पाई स्कोर को। वहीं दोस्तों अगर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की बात करी जाए तो बांग्लादेश भी 233 रन्स पर जो है ऑल आउट हो गई थी, 10 की 10 विकेट गिर चुकी थी। तो आप देखेंगे बांग्लादेश भी जो है मैच जो था वो हार गई थी, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, दोनों ही मैचों में फर्स्ट बैट करा साउथ अफ्रीका ने और वन साइड विन कर गया, इंग्लैंड ऑल आउट, बांग्लादेश ऑल आउट। साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहूँगा हुआ क्या था कि ये जो ग्राउंड है उस पर जो है सबसे ज़्यादा जो है पेसर्स को हेल्प मिलती है। फर्स्ट मैच में भी लगभग 5 विकेट जो है मिली थी, आई थिंक 5 नहीं 8 विकेट मिली थी। सेकंड जो है जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग करना आई थी इंग्लैंड के खिलाफ तब पेसर्स ने लगभग 8 विकेट निकाली थी। वहीं दोस्तों स्पिनर्स ने 2 विकेट निकाली थी। वहीं दोस्तों अगर बांग्लादेश की बात करी जाए बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर भी यही सीन हुआ था, पेसर्स ने ज़्यादा विकेट निकाली थी स्पिनर्स के मुकाबले। सो दोस्तों हमें क्या करना है, जो भी हम टीम बनाएंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि पेसर जो है क्वालिटी वाले हों, स्पिनर्स भी होने चाहिए, स्पिनर्स का ध्यान रखेंगे, स्पिनर्स जो भी हों वो क्वालिटी वाले स्पिनर्स हों। बाकी दोस्तों जो भी प्लेयर्स क्या रहने वाले हैं, क्या हार्दिक पांड्या की न्यूज़ रहेगी वो भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार टेबल पॉइंट्स पर नज़र डालते थे, इंडिया नंबर 1 पर है अभी। क्यों नंबर 1 पर है, क्योंकि अपने 6 के 6 मुकाबले जो है जीत कर आ रही है। वहीं दोस्तों श्रीलंका नंबर 7 पर है क्योंकि 6 में से 2 ही मुकाबले जीते हैं। हो सकता है दोस्तों इस मुकाबले में 50-50 हो, पर मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट 80% चांस जो है इंडिया के मुझे लग रहे हैं जीतने के। बट दोस्तों फिर भी देखते हैं क्या होता है मैच में। सो दोस्तों अब यहाँ पे ड्रीम 11 टीम की बात करते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। मेरे ख्याल से ईशान किशन को पिक करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब तक टीम में केएल राहुल अवेलेबल है तो वही कीपिंग करेंगे। सो दोस्तों अब बची हमारे पास 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में भी दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुशल मेंटिस, केएल राहुल और विक्रम सम्राट का। अब तीनों के साथ जाना चाहते हैं, तीनों के साथ जा सकते हैं, किसी एक के साथ या 2 के साथ जाना चाहते हैं जो 2 के साथ जा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कुशल मेंटिस और केएल राहुल को पिक कर लिया है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं गाइस, तो आप यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में देखेंगे यहाँ पे आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आप चाहना चाहते पी निशंका के साथ भी जा सकते हैं। श्रेयस अय्यर वगैरह को मेरे ख्याल से पिक करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर का नहीं आया है। आया तो गाइस शुभमन गिल का भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, पर सिलेक्शन भी आपको देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के अलावा भी जो मैचेस थे उनमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था शुभमन गिल का। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए दोस्तों अगर श्रीलंका की टीम पहले बैट करती है तो फॉर एग्जांपल के लिए आप सोच रहे हो श्रीलंका ऑल आउट हो जाती है ऑल अराउंड 150 रन के आसपास,
तो दोस्त आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप ध्यान देंगे तो पहले ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। अगर नॉट आउट ये दोनों ही खिलाड़ी चेस करके दे देते हैं लगभग 150-160 रन, तो ये दोनों के पॉइंट होंगे। बाकी प्लेयर्स का तो कोई फिर मैटर नहीं बनता बैटर्स का, लेकिन अगर एक विकेट गिर जाती है और विराट कोहली आकर संभाल लेते हैं मैच और वो कुछ करके दे देते हैं, तो विराट कोहली का पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल में जो ये तीन बल्लेबाज जो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है, अब आप चाहें तो किसी एक श्रीलंका के बैटर को या किसी और को पिक करना चाहते कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे। देखिए दोस्तों, रवि यहाँ पे हार्दिक पांड्या क्या है, अगर हार्दिक पांड्या खेलते तो मुझे ऐसा लग रहा है श्रेयस अय्यर की जगह वो खेलेंगे। बाकी हार्दिक पांड्या की जो भी न्यूज़ होगी वो आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि गाइस अभी ऐसा हार्दिक पांड्या जो अभी 2-3 मैचों में नहीं खेले, लेकिन श्रेयस अय्यर का भी इतना अच्छा कोई परफॉर्मेंस अभी नहीं आया, इसलिए हो सकता है अगर खेलते हैं तो। रविंद्र जडेजा को मैंने पिक करा है, मैथ्यू के साथ जाना चाहते हैं एज अ श्रीलंकन प्लेयर तो आप जा सकते हैं गाइस, बट फिलहाल में मैं रविंद्र जडेजा के साथ ही जा रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमने 5 बॉलर, वैसे मैंने यहाँ पर आपको 4 दिखा रखे हैं जिसमें आप नीचे देखेंगे मधुशंकर देखने को मिल जाएंगे, सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और एक आपको बुमराह देखने को मिल जाएंगे। तो मैं एक बार ये करता हूँ प्रीव्यू पे क्लिक, कुछ इस तरह का प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे मैंने कैप्टन गाइस आप देखेंगे रोहित शर्मा को बनाया है। बाकी गाइस अगर आपको लगता है कि विराट कोहली को बनाना चाहिए या शुभमन गिल को बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर रोहित शर्मा इस मैच में ना चले तो आप विराट कोहली या शुभमन गिल में से किसी एक को भी बना सकते हैं। वीसी की बात करें दोस्तों, वाइस कैप्टन के लिए बढ़िया पिक यहाँ पे बुमराह और मोहम्मद शमी की रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही जो है अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, दोनों ही विकेट निकाल के दे रहे हैं। मोहम्मद सिराज का दोस्त देखिए इकॉनमी ज़्यादा हैगा, मोहम्मद सिराज का इकॉनमी ज़्यादा है, वो रन भी काफ़ी उनको पड़ जाते हैं। बट दोस्तों बुमराह और शमी ये कंस्टेंट जो है विकेट निकाल के दे रहे हैं, शमी तो 3-3, 4-4 विकेट भी निकाल के दे रहे हैं और बुमराह का इकॉनमी भी अच्छा रहता है, तो ये दोनों एज अ वाइस कैप्टन के लिए बेहतरीन पिक रहेगी। बट दोस्तों क्या चेंजेस हो सकता है, एक बारी कुछ प्लेयर्स का चेंजेस करके देखते हैं ऊपर नीचे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में कुशल मेंटिस को यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ और ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों मैथ्यू को ऐड कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का प्रीव्यू दिखेगा, क्योंकि मैथ्यू जो है वो ऑलराउंडर बैटिंग बॉलिंग दोनों से जो है पॉइंट ऑफ व्यू करके देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप अगर किसी एक श्रीलंका बैटर को ऐड करना चाहते हो किसी बॉलर को ड्रॉप करके, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दें, बट दोस्तों हो सकता है मोहम्मद सिराज अगले श्रीलंका वर्सेस जो इंडिया का मैच है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करके आपको दे दे। क्योंकि आप अगर आपको याद हो तो इंडिया वर्सेज श्रीलंका का जो एशिया कप का मुकाबला था वहाँ पर मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट निकाल के दिए थे दोस्तों, अगर आपको याद हो रिसेंट की बात है 1-2 महीने पुरानी लगभग, तो उसमें 6 विकेट निकाल के दिए थे मोहम्मद सिराज ने। तो हो सकता है इस वाले मैच में भी आपको मोहम्मद सिराज की तरफ से ऐसी विकेट कुछ निकलती हुई नज़र आ जाए। बाकी मैं एक काम करता हूँ बैक करता हूँ और जो फ़िलहाल जो मैंने टीम बनाई थी मैं उसको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से जो है मैथ्यू को फ़िलहाल की ड्रॉप कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है मेंटिस को मैंने ऐड कर लिया है। नेक्स्ट करते हैं, कैप्टन मैंने यहाँ पर रोहित शर्मा को बनाया और दोस्तों वाइस कैप्टन के लिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैं भी बुमराह को पिक कर रहा हूँ, बट दोस्तों शमी के साथ भी जा सकते हैं, बेहतरीन पिक रहेगी। और कोई भी चेंजेस जैसे टीम में होता है, कोई प्लेयर्स इन या आउट होता है तो वो मिल जाएगी, और वैसे भी हमारी डेमो टीम है लेकिन मैक्सिमम प्लेयर्स यही रहेंगे, 1 या 2 प्लेयर्स का चेंजेस होगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, वहाँ पर जो आपको फाइनल ग्रैंड लीग की जो टीम है वो मिल जाएगी। मैच शुरू होने से कुछ मिनट पहले टॉस होने की जो भी अपडेट है वो भी मिल जाएगी, क्योंकि जो टीम पहले खेलेगी तो उस हिसाब से भी 1-2 प्लेयर का चेंजेस हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।